पार्टी ने संजय अवस्थी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर संजय अवस्थी का भव्य स्वागत हुआ है। सोलन के माल रोड पर स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वागत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद भी गिरता है। महिलाओं को जो निधि मिल रही थी उसे भाजपा द्वारा रुकवाया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद संजय अवस्थी जी पहली बार सोलन पहुंचे हैं और उनका यहां पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। सबसे पहले तो न्यूज 18 की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है और बधाई हो। धन्यवाद। आपसे एक भी बात जानना चाहेंगे, जो भाजपा ने लैंडलाइंस जो माइंस है वो बिछाई थी कांग्रेस को ध्वस्त करने के लिए और उसमें 6 विकेटें गिरी भी, कांग्रेस को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन लगता है अब जो लैंड माइंस थी उसके ऊपर पैर भाजपा का खुद ही पड़ गया है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उस गड्ढे में गिरता है और नेगेटिविटी जो है हमेशा अपने को नुकसान करती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है और जनता ने जनादेश जो प्रदेश में सरकार को 5 साल का दिया है और 5 साल पूरा होने दें, जनहित की योजनाएं लागू की जा रही हैं और आपने देखा किस तरह से महिला सम्मान निधि जो 1500 रुपये की राशि जो देने की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 फरवरी को कर दी थी लाहौल स्पीति से और अब जो है प्रदेश की सभी महिला जो पात्र महिलाएं हैं उनको ये निधि मिलनी शुरू हो रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता गए, उनको इसका विरोध किया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने लिखकर इसका विरोध किया जिसके कारण ये रुक गया। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का जो राजनीतिक घटनाक्रम को अंजाम दिया और एक स्थापित सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई जो कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं बन सकती क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है और देवी देवताओं का आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में सरकार को मिला और 5 वर्ष सरकार जो है अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर भी बनेगा, स्वावलंबी भी बनेगा और हिमाचल प्रदेश जो है पूरे भारतवर्ष में एक अमीर और एक आदर्श प्रदेश जो है बनकर उभरेगा, ऐसा मैं कहना चाहूँ। नहीं, सभी का स्वागत है, कोई भी कांग्रेस पार्टी में आना चाहे स्वागत है और हम उनका स्वागत करेंगे, पूरा मान सम्मान करेंगे, लेकिन जो ये गलत परंपरा की शुरुआत जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई इसका विरोध है और इसका विरोध हम भी करते हैं और आने वाले समय में आपने देखा कि जिन लोगों ने भी ये कदम उठाया उनको अपने ही विधानसभा क्षेत्र में अपने लोगों का विरोध सहना पड़ रहा है और ये विरोध बढ़ता जाएगा और लोकसभा के चुनाव में और उपचुनाव में इसका विरोध के स्वर जो है पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में गूंजेंगे, इसको आप भी सुनिएगा। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खरीदो फरोख भी हुई कांग्रेस नेताओं को और फिर जो जो लैंड माइंस है जो कांग्रेस के लिए बिछाई गई थी उसके ऊपर ही भाजपा का पैर पड़ गया है और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि कंगना रनौत है अब रियल लाइफ में आई है तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि जितने भी उपचुनाव हैं चाहे जो लोकसभा के चुनाव है उसके ऊपर जो जीत है वो कांग्रेस की होने वाली है। अब देखना यही है कि जो संजय अवस्थी ने यहाँ पर दावा किया है उसके ऊपर वो कितना खरा उतरते हैं। कैमरामैन सनी के साथ कीर्ति कौशल, न्यूज 18 सोलन।